Hello everyone, welcome back on my channel. In this lecture, we are discuss about the next question of Pythagoras theorem. Now question is, find the height of an equilateral triangle. आपको equilateral triangle की क्या find out करनी है? Height find out करनी, okay? And उसकी side आपको क्या दी है? 2a. Side is given 2a. पहले तो है ना diagram prepare कर लो अच्छे से. Diagram prepare कर लोगे तो पता चलेगा कि question क्या कहना चाहता है, okay? Now, एक ट्रायंगल प्रिपेयर किया है मैंने यहाँ पे, यस, एंड ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको प्रॉपर्टी पता है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है एंड उसके सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल. मैंने सिमिलरिटी के पहले ही लेक्चर में आपको ये सारी बातें बता दी थी, ओके? तो ए बी एंड सी ये उसकी उसके नाम हो जाएंगे और उसकी साइड्स क्या हो जाएगी? 2a एंड 2a. बट आपको फाइंड आउट करना उसकी हाइट. क्या फाइंड आउट करना है आपको? उसकी हाइट. तो यहाँ से मैं एक हाइट ड्रॉ कर लेता हूँ, आई मीन एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेता हूँ. तो ये दो एंगल्स है ना 90 डिग्री के हो जाएंगे और यहाँ पे लिख लो एम. यहाँ पे क्या लिख लो? एम. क्लियर है? अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब इसकी साइड्स क्या हो जाएगी? इक्वल. एंड इसके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? 60 60 और ये हो जाएगा 30 and 30. बराबर. चलो नाउ मुझे फाइंड आउट करना है AM. क्या फाइंड आउट करना है मुझे? AM. चलो 30 60 90 की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो अपोजिट ऑफ 60 क्या आ जाएगा? अपोजिट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू रूट 3/2 मल्टीप्लाई विथ हाइपो. ओके, क्या है फॉर्मूला? एक मिनट में ये हटा देता हूँ, मार्कर चेंज कर लेता हूँ. राइट, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2 मल्टीप्लाई विथ हाइपो. क्लियर है? चलो नाउ अपोजिट साइड ऑफ 60, बट कौन से ट्रायंगल पे? मैंने ट्रायंगल लिखना ही भूल गया, तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ए एम बी. इन ट्रायंगल ए एम बी. आप चाहो तो ए एम सी में भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने ट्रायंगल ए एम बी में लिया. ए एम बी में अपोजिट साइड ऑफ 60 इज ए एम इज इक्वल्स टू √3/2 मल्टीप्लाई विथ हाइपोटीनियस. क्या हो जाएगा? अगर ये 90 डिग्री है तो ये साइड क्या हो जाएगा? हाइपोटीनियस. तो हाइपोटीनियस हो जाएगा ए बी. सो ए एम का वैल्यू हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई विथ 2a. 2 एंड 2 कैंसिल, सो योर आंसर इज √3a. योर आंसर इज √3a. क्लियर है? चलो नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन काफी सिंपल है. आपको पूछा यहाँ पे डू साइड 7, 4, 24 and 25 अ राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन मार्क. अगर है तो क्यों है? तो चलो हम लोग एक काम कर लेते हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस अप्लाई करके ना ये फाइंड आउट कर लेते हैं. 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625, बराबर. एंड रिमेनिंग टू साइड्स इज 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस 576. दोनों को अगर ऐड कर दो तो आंसर हो जाएगा 625. So can I written this 25 square is equals to 7 square plus 24 square, okay, by converse of Pythagoras theorem, okay. चलो आप या तो फिर इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी है ना प्रूव कर सकते हैं. यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री इज find the length of a diagonal of a rectangle having side is 11 and 60. चलो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं. रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसके बाद उस पर नाम दे दो ए बी सी एंड डी. ओके, अब रेक्टेंगल है मतलब इसके ऑल एंगल्स क्या रहेंगे? 90 डिग्री. चलो सारे एंगल्स 90 डिग्री के बना दिए. अब 90 डिग्री के बाद इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर लो. ओके, यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, डन. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? डायगोनल फाइंड आउट करना है. और बोला उसकी एक साइड 11 है और एक 60 है,
तो लेंथ को 60 ले लो, ब्रेथ को 11 ले लो, ओके। चलो क्या फाइंड आउट करोगे, पाइथागोरस। तो लिखो इंट्रेंगल ए बी सी, ओके, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो व्हाट इज द ए बी स्क्वायर इज 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, सो योर आंसर इज 121 प्लस 3600, टोटल इज 3721। बट ये तो मुझे ए सी स्क्वायर मिला, मुझे फाइंड आउट करना है ए सी। व्हाट इज द ए सी, ए सी इज इक्वल्स टू 61। ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 61। क्लियर। चलो नाउ मूव्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लेंथ ऑफ hypotenuse of a right angle triangle is remaining side are 9 and 12। काफी सिंपल क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिपेयर कर लो। आपको hypotenuse क्या करना है, फाइंड करना है। hypotenuse क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो hypotenuse फाइंड आउट करना है मतलब हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पाइथागोरस। चलो इसको नाम दे दो ए बी एंड सी। उसमें बोला है कि उसकी रिमेनिंग टू साइड इज 9 and 12, एक एंगल 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूस होगा और हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखो इंट्रेंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। रीजन लिखना जरूरी है, यहाँ पे लिख लो पाइथागोरस थ्योरम, ओके। चलो तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 प्लस 144, योर आंसर इज 225। 225 is the square root of 15. Clear? So AC is equals to 15. Now next question. A side of an isosceles right angle triangle is X. चलो isosceles triangle है, but वो कौन सा है? Right angle है. तो आपका एक right angle triangle draw कर लेते हैं. चलो right angle triangle draw कर लिया. अब उसमें है ना, उसके क्या isosceles बोला है, तो एक काम करो, ये दो साइड है ना इक्वल होगी बराबर, और वो दो साइड इक्वल है, उसकी वैल्यू दी है x एंड x, और आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना। पाइथागोरस अप्लाई करो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सो योर आंसर इज 2x स्क्वायर बराबर। तो आपको अगर रूट में डाल दो तो यहाँ पे आएगा रूट 2x इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 2x। क्लियर है, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 2x। चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सेम क्वेश्चन, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस अप्लाई करो। पीक्यू, सॉरी मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया, इन ट्रायंगल पीक्यूआर, पीक्यू इज रूट 8, क्यूआर इज रूट 5 एंड पीआर इज रूट 3, एंड कौन सा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें कौन सा है ना 90 डिग्री है, वो भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, बट नाम नहीं लिखते, पहले नाम नहीं लिखते, ओके। चलो पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। अब पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू कितना हो जाएगा 8 बराबर, फिर क्यू आर कितना हो जाएगा 5 और पी आर कितना हो जाएगा 3। कैसे हुआ, सब में रूट डाल दो और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। नाउ पी एंड क्यू का वैल्यू 8 है बराबर, और Q एंड R का वैल्यू क्या है 5 and 3, इसका वैल्यू क्या है 5 and 3। अब ये दोनों को जब ऐड करोगे तब 8 हो जाएगा, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। और देखो PQ सबसे लंबा लेंथ है, ओके, मतलब ये हाइपोटेन्यूस होगा एंड एंगल R आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाओ। थैंक यू सो मच।